हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल राधा जी की सिंपल फूड रेसिपीज़। आज मैं आप सभी के लिए कद्दू की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ आधी किलो कद्दू लिया है, दो प्याज ली है, 6 से 7 लहसुन की कली और 2 हरी मिर्च ली है। इन सभी को मैंने काट लिया है। मैंने लहसुन को दोच लिया है खल्लड़ से, 2 प्याज भी मैंने चॉप कर ली है और 2 हरी मिर्च भी मैं काट चुकी हूँ और मैंने कद्दू के भी पीसेस कर लिए हैं। फुल फ्लेम करके मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है। उसके बाद मैं इसमें 100 ग्राम ऑयल डाल दूंगी। ऑयल को मैं पकने के लिए, गर्म होने के लिए यहाँ 5 मिनट के लिए रख दूंगी। ऑयल मेरा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें 1 चम्मच मेथी दाना ऐड कर दूंगी। गैस की फ्लेम मुझे अब स्लो ही रखनी है, जिससे हमारा मसाला जले नहीं। इसके बाद मैंने जो 2 प्याज काटी थी उन्हें भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। प्याज को मुझे हल्का ही पकाना है। उसके बाद मैं इसमें लहसुन और मिर्ची ऐड करूंगी। मैं साथ में इसमें नहीं डालूंगी, वरना मेरा लहसुन जल जाएगा और मिर्ची भी जल जाएगी और प्याज मेरी पक भी नहीं पाएगी। इसलिए मैं प्याज को पहले आधा पका लूँगी, उसके बाद इसमें लहसुन और मिर्ची ऐड करूँगी। गैस की फ्लेम हमें मीडियम ही रखनी है, ज़्यादा फुल पे नहीं पकाना है, वरना ऊपर से पक जाएगा, नीचे से कच्ची रह जाएंगी प्याज। इसके बाद मैंने यहाँ पर मिर्ची जो काटी थी वो ऐड कर दी है इसमें। मिर्ची को भी मैं इसमें थोड़ा पकाने के बाद इसमें जब लहसुन का जो मैंने खल्लड़ से दोच के पेस्ट बनाया है वो इसमें ऐड कर दूँगी मैं। अब मैंने इसमें लहसुन का जो पेस्ट बनाया था उसे ऐड कर दिया है। इन सभी को मैं थोड़ा चलाते चलाते यहाँ पर पका लूँगी, उसके बाद ही मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। आप देख सकते हो ये मैंने इतना भूंज लिया है। इसके बाद मैं अब सभी मसाले ऐड करूँगी। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 1.5 चम्मच मैंने यहाँ लाल मिर्च पाउडर लिया है और 1.5 चम्मच मैंने यहाँ धनिया पाउडर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर सफ़ेद मिर्च पाउडर लिया है 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच ही पीली मिर्च का पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच मैंने यहाँ गरम मसाला लिया है। उसके बाद मैं सभी मसालों को मिक्स कर दूंगी। गैस की फ्लेम मुझे स्लो ही रखनी है। उसके बाद जो मैंने कद्दू काट के रखा था उसे इसमें ऐड कर दूंगी और इन सभी को मैं मिक्स कर दूंगी, जिससे मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं कद्दू में। करछी की सहायता से चलाते हुए मैं इसमें मसाले सारे मिक्स कर दूंगी। उसके बाद मैं इसमें 1 चम्मच नमक ऐड कर दूंगी। नमक आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ही इसमें डालें। उसके बाद वापस से मैं इन सभी को मिक्स कर दूंगी और गैस की फ्लेम स्लो करके मैं यहाँ 2 से 3 मिनट इसे पकने के लिए रख दूंगी। मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड्स। अब 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसे यहाँ पकने के लिए रख दूंगी कद्दू को। ये कद्दू हरा है, जल्दी ही पक के तैयार होता है। 2 से 3 मिनट बाद मैं देखती हूँ तो मेरा कद्दू थोड़ा बहुत इसमें पक चुका है। आप देख सकते हो सब्जी कितनी बनकर टेस्टी दिख रही है, बनने के बाद और भी टेस्टी दिखेगी ये। अभी कद्दू मेरा थोड़ा हल्का सा कच्चा है, मैं इसे 3 से 4 मिनट और गैस पर रख दूंगी स्लो फ्लेम करके ही। 3 से 4 मिनट बाद मैं देखती हूँ तो मेरा कद्दू अच्छे से पक चुका है, आप देख सकते हो। इसके बाद मैं इसे वापस चला दूंगी और एक बर्तन में निकाल के इसे आपको दिखाती हूँ सब्जी कितनी अच्छी टेस्टी बनकर तैयार हुई है। और हाँ, मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। देख सकते हो आप सब्जी कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। लाइक कमेंट शेयर करें।